अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। तुहाडे फैसला बाद भी एक उठी है ना हराम दी, वहां भी खड़ा हुआ। मेनू लगता है मिर्जे की यही मां है। अस्तगफिरुल्लाह, फैसला बादी हो तुसी वहाबियो मनहूसो यजीदियो बनू मैया के गुलामो। मेरे माँ जी तो पहले भी गवाह हो। कम बाबे ने पाया इंशाल्लाह। मंड के रखिया सी उन्हें सारे नू। जो कुछ होया अपनी जान से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मसलक दी कंड लगन दी थी। तेरे मुझ वाबी मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमी। अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाह। मेरा नाम है सना अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओए परे हो जा चाचा को कुड़ी मार जानी हो। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। अच्छा, मैं हुकुल्ला से नवाजी गई, हजर अकबर अदा करती हुई, अपने तीन दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे आ पहुंची हूँ कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इनमें लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों को अपनी पहचान वाजे फरमाते हुए अपनी इबादत हजुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश करूंगा। इस तरह के झूठे दावेदारों से हमारा ईमान मजबूत इसलिए होता है कि हम कहते हैं सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलुल्लाह, आपने सच कहा था, जिन जिन का आपने बताया था एक एक करके आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिलाफ सिर्फ वो लोग जिहाद कर रहे हैं सही मानों में जो वाकई उनके इल्मी दलाइल का जवाब देते हैं। खाली दावे करने से कुछ नहीं होगा, हमने एक एक उनके वसवसे का जवाब दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अब क्यामत तक अल्लाह ताला किसी भी बंदे के साथ ना कश्फ के जरिए, ना इल्हाम के जरिए, ना को वही खफी के जरिए, ना वही जली के जरिए कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सवाए एक एक्सेप्शन के जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि मेरी वफात के बाद नबूवत की खबरें बैन हो चुकी हैं, खत्म नबूवत की वजह से खत्म हो चुकी हैं, सवाए एक चीज के, और वो है ख्वाब मुबशरात। और पूछा गया मुबशरात क्या है, तो फरमाया गया कि ख्वाब मुबशरात यानी खुशखबरी देने वाले ख्वाब। दीन नहीं सिखाया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह दीन मुकम्मल करके गए हैं, अब किसी को ख्वाब में आके या कोई और मामलात के जरिए दीन में कोई एडिशन नहीं होगी, नॉट एट ऑल, दीन में कोई चीज ऐड नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन मुकम्मल करके गए हैं। अब अगर किसी का यह पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं यार वो ख्वाब में आके कोई उन्होंने ऐसी चीज बतानी है उम्मत को जो पहले बताना भूल के थे, नऊज़ बिल्लाह, तो वो अपने अकीदे की इस्लाह करें। सूरतुल माईदा में वाज़े आ गया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पे अपनी नेमत तमाम कर दी और इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए पसंद किया। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए जिनमें से हर शख्स ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का पैगंबर है। हुजूर कह देते ना कि उन दज्जालों को तो दज्जाल कहना, लेकिन उम्मती नबी छोटे छोटे आया करेंगे। कुरान और हदीस को तो दूर दूर तक कोई पता नहीं कि कोई उम्मती नबी आना है। हां, कुरान और हदीस को यह पता है कि दज्जाल आएंगे, वो मेंशन कर दिया।